जिदा मैं कोई छंद परागा बने गया कलाकार सिद्धू मूसेवाला मानसा तो चोणा लड़दे हुए नजर आ रहे थे। 10 मार्च वाले दिन नतीजे आते सामने आया सी कि सिद्धू मूसेवाला मानसा हल्के तो चोणा हार गए ने, जिस तो बाद एक निजी चैनल दे पत्रकार ने इलेक्शन रिजल्ट आने तो बाद सिद्धू मूसेवाला बारे कुछ टिप्पणियां कीतियां सी, जिसका जवाब हुण दुबई दे विच अपने लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सिद्धू मूसेवाला दिंदे हुए दिखाई दिते। तुहानू दस दईए कि कुछ टाइम पहला एक निजी चैनल दे पत्रकार ने एक वीडियो वायरल हुई सी उन्हां दी, जिस वो कहिंदे हुए नजर आए सीगे कि जिन्हां गायकां नूं अपनियां पोस्ट ते हज़ारां लाइक्स ते हज़ारां शेयर मिलदे ने ते लाइव शो दे विच लखां दे करीब लोग आ जांदे ने, जिस तो बाद सिंगर्स ये सोचते हैं कि असी उन्हां लोकां दे जित हासिल कर लैनी है। ये बहुत बेतुकी गल है। इस दे नाल ही कहा गया सीगा कि होर भी जिहड़े सिंगर्स कलाकार सियासत च कदम रखना चाहते हैं वह 1-1.5 साल लोगों के लिए काम कर, जिस तो बाद हुण सिद्धू मूसेवाला की भी एक वीडियो जो आ सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा फ्लैश हो रही है, जिस वो कह रहे हैं कि एक पत्रकार है उसने उसका मजाक उड़ाया। इस दे सिद्धू मूसेवाले ने कहा कि चोणा हार गया हो सकता हाँ पर लिखना बंद नहीं किया। जिमें कि सब जानते हैं कि इस तो पहला भी सिद्धू मूसेवाला 295 सोंग के जरिए एक पत्रकार के उत्ते तंज कसते हुए टिप्पणियां करते हुए नजर आए थे, जिस तो बाद फिर उन्होंने इलैक्शन के दौरान ही इंटरव्यू भी किया। हुण जिमें कि उन्होंने वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है तो वह इस पत्रकार का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, तो की कह रहे हैं आओ सुनते हैं। मैनू भी पता सी कनेक्ट होकर करूंगा, साडे च गर्स है, असीं आपदे लोकां खातर खड़दे हां, अगे भी खड़दे रहांगे जिथों तक सांच सांह ने। एक हार ते नहीं, मैनू 1000 हार भी झलनी पई मेरे लोगों वास्ते मैं झलूंगा, मैनू कोई खौफ नहीं उस चीज का। तो जिन्हां नूं इह लगदा वी मेरी हार करके मेरा कैरियर डाउन होगा, जस्ट वेट एंड वॉच की कुछ होने वाला। कि मैनू बहुत बंदे कहंदे आ सियाणे, ओ यार तू ये की कर लिया तेरा करियर, मैं कोई गल नहीं भाई भरिया खड़ा सी मन बहुत टाइम का, एवं लगावट चक के सोशल मीडिया से हार गया जी भी तू वाले हरजाई च बैठी गल्लां करी जाना, जित तक जिहड़ा खड़ा होया उही हारिया। ते जित्ते मैनू जानदे कौन जित्ते है, मैनू मेरी मां ने एक गल सिखाई सी, कहिंदी पुत जो कुछ तेरे हत्था च है ना, जो तेरी झोली च है, जो तेनू दाता ने दिता है, वह तेरे लोगों करके ना लोगों च रब वास है। तो जिथे लोगों को हक च खड़न तो तू भज गया, खत्म है कहानी। मैं आपकी रिस्पोंसिबिलिटी पूरी की, मैं अगे भी करता रहूंगा, जिथे मैनू साडे लोगों खातर खड़ना पे, भावें उन्होंने कोई होर जताता शायद, कोई दिक्कत नहीं। मैं उन्होंने इन्नी गल कहना हूं पिंड वालों नू, मगर जिथे थोड़ा हारिया जिते हुए हथ खड़े करके ना उसे हारे हुए पुछ के तुम्हें पता लग जाऊ की कुछ है। इतने सो ये गल्लां चलदियां रहनियां छोटे वीर, मैं आपकी जिंदगी बहुत नेड़े देखे, बहुत तजर्बे देखे ने। 3 महीने मैं लोगों च रहा, मैं बहुत कुछ सीखिया, तो मैं कभी जिंदगी दे विच ऐसे काम नहीं करता हूँ भी फलाना की कहूँ, जो मेरे चित च है ना वो मैं कर की रहना, जो मैं सही लगे मैं अपने लोगों खातर मैं खड़ना सही लगे मैं खड़ गया, उन्होंने नहीं सही लगे कोई नहीं अगली बारी सही, एक कुंभ का मेला है। अज तो 20-25 साल पहला, 20-25 के 15 साल पहले मैं लगता है, अज जो साडे मुख्यमंत्री साहब ने भी पहला जमानत जब्त हुई सी, मेरी जमानत जब्त नहीं हुई, 40,000 वोट पई है, अज मुख्यमंत्री है। सो मेहनत है कोई भी खेत्र, जे अज मैं कलाकार बनया ना सिंगर बनया, जे मैनू सिद्धू मूसेवाला लोग कहिंदे आ तां मैं 1000 वारी शुभदीप सिंह बन के हारिया, तां मैं सिद्धू मूसेवाला बनया, ठीक है ना। जिन्ना तो नहीं कुछ हुंदा ना, मेरा वो बड़ा सवाल लैंदे सी इंस्टा ते, सिद्धू तां हार गया, मैं कहा तू दस तेरा की बनया, तेरा कोई फायदा होया। खली बली कर देंगे सर, खली बली
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਵੀ ਖੜਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾਉਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਥੋੜੀ ਰੋਕਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੱਤਰੋ ਸੱਚੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਨਾ ਤੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੁਸ਼ਤੇ ਦਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬੜੀ ਘੈਂਟ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੰਦ ਪਰਾਗਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਣੇ ਐਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਝੱਗ ਵਾਂਗੂ ਬਿਠਾ ਦੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ, ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ। ਹਾਂ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ